अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस अकेडमी। आज हम लोग कवर करने वाले हैं फर्स्ट ईयर का लेक्चर, और फर्स्ट ईयर के लेक्चर में हमारा चैप्टर नंबर 9 यानी कि नेचर ऑफ लाइट कंटिन्यू है। और आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 का लास्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं, और वो टॉपिक मैं आपको बाद में बताऊँगा। पहले ज़रा आप लोग ये दो तस्वीरें देखिए, तो दोनों जो पिक्चर्स हैं ना वो सेम जगह की हैं, एक ही झील की हैं, लेकिन पहली वाली पिक्चर को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो वो उतना क्लियर रिजल्ट नहीं आ रहा, बल्कि हमें रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा है स्काई का, जबकि जो दूसरी वाली पिक्चर है ना उसमें काफ़ी क्लियर विजन नज़र आ रहा है और कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं है स्काई का। तो आखिर ऐसा कैसे हुआ, हमने ऐसा क्या किया कि जो स्काई से आने वाली लाइट थी वो हमारे कैमरे तक नहीं पहुँच पा रही जिससे इतनी अच्छी तस्वीरें ली जा रही हैं। तो ऐसा इस तरीके से नहीं, सिर्फ इसमें ही नहीं होता है, बल्कि ये और भी बहुत सारी चीज़ों में होता है जो कि मैं आपको इस लेक्चर के लास्ट में बताऊँगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ऐसा किस तरीके से अचीव होता है। ऐसा अचीव होता है ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो डेफिनेशन है पोलराइजेशन ऑफ लाइट की, सबसे पहले उसको देख लो। पोलराइजेशन ऑफ लाइट से मुराद है अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करना। इस तरीके कार को कहते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट। और जाहिर सी बात है, इस डेफिनेशन को समझने के लिए सबसे पहले आप डिफरेंस समझिए कि अनपोलराइज्ड लाइट किसे कहते हैं और पोलराइज्ड लाइट किसे कहा जाता है। तो अनपोलराइज्ड लाइट से मुराद है ऑर्डिनरी लाइट, जो सिंपल सी लाइट होती है जिसकी वेव्स जो है उनमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वाइब्रेशंस दोनों होती हैं इन ऑल डायरेक्शंस इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट। यानी कि जिस लाइट के जिस डायरेक्शन के अंदर लाइट प्रोपोगेट कर रही होती है उसके परपेंडिकुलर, यानी कि वाई एक्स, अगर फॉर एग्जांपल लाइट ट्रेवल कर रही है इन एक्स एक्सिस, तो वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अंदर जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वाइब्रेशंस हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं नेचर ऑफ लाइट के अंदर कि लाइट कंसिस्ट करती है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी कर रही होती है। तो मतलब ये है कि अनपोलराइज्ड लाइट से मुराद है एक ऑर्डिनरी लाइट, सिंपल सी लाइट, जिसकी जो वाइब्रेशंस हैं वो हर डायरेक्शन के अंदर हैं, जो वाइब्रेशंस हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक की वो हर डायरेक्शन के अंदर है। तो ऐसी लाइट को कहते हैं अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है। और कुछ इस किस्म की है कि अगर ये फॉर एग्जांपल कोई पॉइंट सोर्स है, ठीक है ना, ये सोर्स है जिससे लाइट एमिट हो रही है, तो आप देखो जो लाइट है वो हर डायरेक्शन के अंदर ट्रैवल करती हुई नज़र आ रही है। जब हर डायरेक्शन के अंदर ट्रैवल करती हुई नज़र आ रही है तो इसका मतलब ये अनपोलराइज्ड लाइट है। जबकि पोलराइज्ड लाइट से मुराद ये है कि जिसकी जो वाइब्रेशंस हैं वो सर्टेन डायरेक्शन के अंदर हैं, ठीक है, जो कि आमतौर पर परपेंडिकुलर है टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट, ठीक है, होती तो परपेंडिकुलर है, यानी कि किसी भी एक एक्सिस के अंदर हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर लाइट ट्रैवल कर रही है एक्स एक्सिस में, तो वो जो ट्रैवल कर रही होंगी वो ट्रैवल कर रही होंगी फॉर एग्जांपल सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस में, यानी कि हमने जो डिफरेंट पार्ट्स थे लाइट को उनको डिवाइड कर दिया है, यानी कि हमने उनके पोल्स में डिवाइड कर दिया है। और उसी अनपोलराइज लाइट को पोल्स में पार्ट्स में डिवाइड करने को कहते हैं पोलराइज लाइट, ठीक है। और ये जो मेथड है इस मेथड को कहते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट, यानी कि पहले होती है अनपोलराइज्ड लाइट, जब हम पोलराइजेशन कर देते हैं तो जो रिजल्ट हमें मिलता है वो मिलता है हमें पोलराइज्ड लाइट का, ठीक है। पोलराइज्ड लाइट ऐसी है, फॉर एग्जांपल अगर वेव ट्रैवल कर रही है तो इसके अंदर जो वाइब्रेशन है, फॉर एग्जांपल वेव ट्रैवल कर रही है एक्स एक्सिस के अंदर जो, तो जो पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं वो सिर्फ वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं और वाई एक्सिस में नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं और किसी भी एक्सिस के अंदर मूव नहीं कर रहे हैं। तो ये सिंबल हम इस्तेमाल करेंगे फॉर पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। अच्छा, इसको और एग्जामिन करते हैं ट्रांसवर्स वेव में। और ये भी बात याद रखनी है कि पोलराइजेशन ऑफ लाइट ही वो फिनोमेना है जिससे हम साबित कर सकते हैं कि लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है, क्योंकि ये जो इफेक्ट है ना पोलराइजेशन वाला, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स वेव्स के अंदर ही होता है, अदरवाइज नहीं होता, ठीक है ना। तो ये भी एक प्रूव है, और एमसीक्यूज वगैरह के अंदर ही पूछा जाता है कि भाई कौन सा ऐसा फिनोमेना है जिससे हम साबित करते हैं कि लाइट जो है वो ट्रांसवर्स नेचर रखती है। तो याद रखिए वो जो फिनोमेना है वो है पोलराइजेशन ऑफ लाइट का। अच्छा, अब देखो फॉर एग्जांपल कि हम एक रस्सी के जरिए वेव्स को वाइब्रेट करा रहे हैं और वेव्स को हम इस तरीके से कुछ वाइब्रेट करा रहे हैं, यानी कि रस्सी को हमने वाइब्रेट कराया तो इस किस्म की वेव्स फॉर्म हुई है, यानी कि पोलराइजेशन जो है वो अभी जो ऊपर और नीचे की तरफ है जो वेव्स मूव कर रही हैं, ठीक है। अगर मैं उसे मूव उसमें पास करवाऊँ सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे कार्ड से, अच्छा ये वर्टिकली पोलराइज्ड कहलाती हैं ऐसी जो कि वर्टिकली मूव कर रही हैं, तो वर्टिकली पोलराइज्ड कहलाएंगी। इसके सामने मैं एक कार्ड रख देता हूँ जो कि इस तरीके से ओपन हुआ हुआ है, ठीक है, एक वर्टिकल स्लिट है, तो आप देखेंगे कि सारी की सारी वेव जो है वो इससे पास आउट हो जाएंगी,
ठीक है ना, वो इस वजह से पास आउट हो रही हैं क्योंकि ये जो स्लिट है वो कौन सी है, वर्टिकल स्लिट है, और इसी वजह से जो हमारी वर्टिकली पोलराइज्ड वेव्स थी वो इसमें से पास हो गई। जबकि अगर इसी रस्सी को हम वाइब्रेट कराएंगे जेड एक्सिस के अंदर, यानी कि अभी जो वेव हैं वो हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड हैं, यानी कि सिर्फ वो सिर्फ एक्स एक्सिस के अंदर मूव कर रही हैं, और फिर मैं उनको पास करवाने की कोशिश करता हूँ एक वर्टिकल स्लिट से, तो नतीजे हम देखेंगे कि हमें वेव मिलेगी ही नहीं। यानी कि जो वर्टिकल स्लिट थी, जो वर्टिकल स्लिट हमने रखी हुई है इस हॉरिजॉन्टल वेव पर, तो वो क्या करेगी, वो ब्लॉक कर लेगी हमारी होल जो हॉरिजॉन्टलाइज्ड, जो कि हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड वेव्स हैं उनको वो क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है, तो ये एक तरीक़ेकार है, एक प्रैक्टिकल है, इसके ज़रिए आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो कि भाई ठीक है कि एक ख़ास डायरेक्शन वाली वेव को तो जाने दिया और दूसरे जो डायरेक्शन वाली वेव थी उनको जाने से रोक दिया, तो ये एक पोलराइज़र है, मतलब ये जो मैंने कार्ड बनाया है ये एक पोलराइज़र के तौर पर काम कर रहा है। और ये याद रखिए, पोलराइजेशन सिर्फ सिर्फ किस में हो सकती है, उन वेव्स में जिनमें क्रस्ट एंड ट्रफ फॉर्म होता है, यानी के ट्रांसवर्स वेव्स में। अच्छा जी, लाइट की पोलराइजेशन कैसे करते हैं, तो क्रिस्टल होता है टॉर्मलिन क्रिस्टल, इसको हम इस्तेमाल करते हैं पोलराइज करने के लिए लाइट को, और टू एनालाइज द पोलराइज लाइट, और अगर मुझे एनालाइज करना हो कि लाइट पोलराइज हुई है कि नहीं हुई है, तो उसको भी इसी क्रिस्टल के जरिए करते हैं। और जो टॉर्मलिन क्रिस्टल है, ये इसके जो क्रिस्टलाफिक ग्राफिक एक्सिस हैं वो पैरेलल हैं टू इट्स फेस, एंड इट ट्रांसमिट्स ओनली दोज वाइब्रेशन ऑफ लाइट्स विच आर पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ क्रिस्टल। फॉर एग्जाम्पल, ये जो पोलराइजिंग फिल्टर है इसका एक्सिस कुछ इस किस्म से रखा हुआ है, यानी कि वर्टिकली स्लिट्स नज़र आ रही हैं यहाँ पर, तो अगर मैं इससे अनपोलराइज लाइट गुजारूंगा, ये देख लो ये जो लाइट है अनपोलराइज है, हर एक्सिस के अंदर शो की हुई है इसमें जो वेव्स हैं, तो अगर वो इस पोलराइजिंग फिल्टर से पास होंगे तो आप देखेंगे बाकी तमाम को एब्जॉर्ब करके सिर्फ जो वर्टिकली मूव कर रही थी वेव्स उनको ये पास आउट होने देगा। और बाकी ये डायरेक्शन ऑफ वेव तो मैं बताता ही हूँ कि परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करती है वेव अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, तो ये एक पोलराइजिंग फिल्टर है, और इसके जरिए आप देख सकते हो कि अगर एक टॉर्मलिन क्रिस्टल को हम इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या करता है, वो हमारे लाइट के एक हिस्से को पास होने देता है, दूसरे को रोक लेता है, और यही इफेक्ट है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल हम दो रखें, एक पोलराइजिंग फिल्टर रखा और एक और दूसरा रखा, और दोनों सेम एक्सिस के अंदर रखे हुए, तो आप देखेंगे कि ये जो अनपोलराइज लाइट है इससे पास होगी और फिर सेम इससे भी पास आउट हो जाएगी, यानी कि जो लाइट यहाँ पे हमें नज़र आ रही है वो वाई एक्सिस का पोर्शन तो हमें मिल रहा है, बाकी तमाम के तमाम पोर्शन ये पोलराइजिंग फिल्टर जो है वो एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं। अच्छा, जबकि अगर मैं इसको रोटेट करा दूँ पोलराइजिंग फिल्टर को, तो हम क्या देखेंगे, अभी यहाँ पर इसने तो इस तरीके से इसको पोलराइज कर दिया था, यानी कि अब कुछ पार्ट तो होगा वो पास होगा और लाइट हमें थोड़ी सी डिमर मिलेगी यहाँ पे ना, जो लाइट होगी वो एक्चुअल लाइट की इंटेंसिटी के लिहाज से काफ़ी डिम मिलेगी। जबकि अगर इसको रोटेट करते करते हम इसको परपेंडिकुलर ही कर दें, तो फिर आप देखेंगे यहाँ पे हमें कोई लाइट नहीं मिल रही, यहाँ पर हमें कोई लाइट नहीं मिल रही। वजह क्या है, वजह यह है कि ये अनपोलराइज लाइट थी, इससे वर्टिकली पोलराइज होकर आई, और क्योंकि यहाँ पे मैंने टॉर्मेलिन क्रिस्टल को रख दिया है परपेंडिकुलर, तो ये सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेव्स को जाने देगा, अब क्योंकि आने वाली वेव्स सिर्फ वर्टिकल हैं तो वो सारी की सारी रोक लेगा, पास आउट होने नहीं देगा, और नतीजे हमें कोई भी लाइट नहीं मिलेगी। तो ऐसा हम एनालाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग टू पोलराइजिंग फिल्टर्स। ठीक है, अच्छा, पहले क्रिस्टल को पोलराइजर कहते हैं और दूसरे को कहते हैं एनालाइजर, क्योंकि उसी के जरिए हमने एनालाइज किया है। अच्छा जी, अब पोलराइजेशन ऑफ लाइट को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, तो अब वो पहली जो हमारा मैंने आपको एग्जांपल बताई थी कि जो कि फ़िल्टर के तौर पे इस्तेमाल होती है और जो इन्हेंस हो जाती है हमारी फ़ोटो, वो पोलराइजेशन की ही एक एग्जांपल है। सिंपलेस्ट एप्लीकेशन है पोलराइट की कर्टेन लेस विंडोज़, ऐसी विंडोज़ जिनकी आउटर पोलराइजिंग डिस्क जो है वो फिक्स्ड होती है इन पोजीशन, और इनर डिस्क जो है वो रोटेट कर सकते हैं अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करने के लिए। ऐसे ग्लासेस आपने देखे होंगे कि एक तरफ से तो आर पार नज़र आ रहा होता है, लेकिन दूसरी तरफ से वो मिरर के तौर पे काम कर रहे होते हैं, यानी कि हमें हमारा अक्स नज़र आ रहा होता है। आमतौर पे ऑफिसेज के अंदर ऐसा होता है कि वो बाहर से देखने पर हमें नज़र आ रहा होता है कि भाई ये तो मिरर है, लेकिन जब अंदर जाके देखते हैं तो हमें अंदर से बाहर का नज़र आ रहा होता है। तो ऐसी जो विंडोज़ होती हैं वो कर्टेनलेस विंडोज़ कहलाती हैं, और वो पोलराइजेशन ऑफ लाइट की ही एक एग्जाम्पल है। अच्छा, सेकंड फोटोग्राफी के अंदर, वो जो मेरी पहली वाली मिसाल थी ना, फोटोग्राफी में इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ ऑफन डिजायरेबल टू इनहेंस द इफेक्ट ऑफ स्काई एंड क्लाउड्स सिन द लाइट फ्रॉम द ब्लू स्काई पार्शियली पोलराइज कराते हैं बाय स्कैटरिंग, और सूटेबल ओरिएंटेशन रखते हैं पोलराइजेशन डिस्क की
इन फ्रंट ऑफ कैमरा लेंस जो कि स्काई फिल्टर के तौर पे काम करता है, तो वो जो इनहेंस पिक्चर हमें नज़र आई थी वो इसी वजह से कि वहाँ पे हमने एक पोलराइजर को इस्तेमाल करके पोलराइजेशन ऑफ लाइट की थी और उसके ज़रिए हमने इनहेंस किया था इफेक्ट ऑफ स्काई एंड क्लाउड्स। तीसरी एप्लीकेशन जो है वो हेडलाइट्स के जो कंट्रोल हैं उसमें भी इस्तेमाल होती है, ठीक है ना। हम पोलराइजिंग फिल्टर लगा कर जो लाइट है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी जो कार की विंडशील्ड होती है उसके अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है कि भाई सिर्फ उसी लाइट को आने दे जो कि सामने से आ रही है, और वो लाइट जो कि रोड से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है जो कि ग्लेयर प्रोड्यूस करती है, चमक प्रोड्यूस करती है, उसको एब्जॉर्ब कर ले। तो वो भी पोलराइजेशन ऑफ लाइट की ही एक एप्लीकेशन है हमारी डेली लाइफ में। सो दैट्स इट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो भी एप्लीकेशन है हमारे पोलराइजेशन ऑफ लाइट की, और देखो कितनी काम की है, ठीक है। और फिजिक्स में तो हर चीज़ ही काम की है, कोई भी चीज़ बेकार तो है नहीं। और कोई कन्फ्यूजन है तो बिल्कुल लिखिए कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। इस लेक्चर के लिए इतना ही है, अगले लेक्चर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।